الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। रहमान ने कुरान सिखाया, उसी ने इंसान को पैदा किया और उसने बोलना सिखाया। आफ्ताब और महताब मुकर्ररा हिसाब से हैं और सितारे और दरख्त दोनों सिजदा करते हैं। उसी ने आसमान को बुलंद किया और उसी ने तराजू रखा ताकि तुम तोलने में तजावुज ना करो, इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तोल में कमी ना करो। और उसने मखलूक के लिए जमीन बिछा दी जिसमें मेवे हैं और खोशे वाले खजूर के दरख्त हैं और भूस वाला अनाज और खुशबूदार फूल है। बस जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? उसने इंसान को बुझने वाली मिट्टी से पैदा किया जो ठीकरी की तरह थी और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। बस जिन्नो इंच, तुम अपने परवरदिगार के किन किन अजायब कुदरत को झुटलाओगे? सदक अल्लाह अज़ीम। आमीन, बरकल्लाहु फी, जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए अच्छी तिलावत का और इसका तर्जुमा करने का। अब इंशाल्लाह, जैसे आप जानते हैं, तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि वो माइक्रोफोन ऑफ रखें, क्योंकि ये मैडम डॉक्टर आरफा से हम इंशाल्लाह ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए हैं और आई एम श्योर कि आपके लिए बहुत मुफीद होगा। तमाम टीचर्स और स्टूडेंट्स से भी गुजारिश है कि वो लोग अपने सवालात भी अगर करना चाहें तो चैट ऑप्शन भी मौजूद है और रेज हैंड ऑप्शन भी मौजूद है। रेज हैंड करेंगे रैंडमली हम आपको अलाउ करेंगे, सो यू कैन आस्क क्वेश्चन। और इस प्रोग्राम का दोबारा बताते चलें कि हमने रिक्वेस्ट की थी खसूसन डॉक्टर अबान उस्मानी साहब को कि उर्दू में एक ऐसी अथॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए कोई अच्छे पैगाम इस उर्दू का एक प्रोग्राम करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल उर्दू में जो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, रीडिंग भी कम हो गई है और हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे करिकुलम में भी, पाकिस्तान में देखें, दुनिया में देखें, काफी कम होता जा रहा है। तो मैडम से इस हवाले से खसूसी, जो कि एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल हैं और शी हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस इन उर्दू टीचिंग, तो मैं समझता हूँ कि वो एक अथॉरिटी हैं। हम उनसे गाइडलाइन गाइडलाइन सीखेंगे उनसे और वो हमें वक्तन फोक्तन उनको हम इनसे टाइम भी लेंगे। तो प्रोग्राम के मैं अपने हमारे जो होस्ट हैं इस प्रोग्राम के और वो खुद भी उर्दू में काफी इंटरेस्ट लेते हैं और बड़ी अच्छी उर्दू शायरी भी करते हैं, अबान उस्मानी हैं जो कि हमारे फिजिशियन हैं अब किंग सऊद मेडिकल सिटी में। तो अबान उस्मानी साहब अगर आप मौजूद हैं तो इंशाल्लाह बाकायदा इस प्रोग्राम का आप प्रोसीडिंग करें। कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि 9 बजे तक मजीद लोग भी आ रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा अगर आप इसको कोई प्रोग्राम के मैडम का तआरुफ और इस हवाले से बात हो जाए तो अच्छा है। मैं सबको म्यूट करूंगा लेकिन वील अलाउ यू टू अनम्यूट योर सेल्फ। जी अबान उस्मानी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स एंड स्पेशली डॉक्टर आरफा सईदा साहिबा,
थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस. मेरा ख्याल है हमारे पास ज्यादा टाइम तो नहीं है. आई विल स्टार्ट ऑफ विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन. तो अजीज दोस्तों, आज हमें डॉक्टर आरफा जहरा सईदा साहिबा से फैज हासिल करने का मौका मिल रहा है. याद रहे कि मैंने आप सबको अजीज दोस्तों कहकर मुखातिब किया, ना कि अजीज हमवतनों. इसलिए फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है. डॉक्टर आरफा से इस महफिल के अक्सर लोग वाकिफ हैं, मगर मैं नई नस्ल के लिए एक मुख्तसर सा तारुफ करवाना जरूरी समझता हूँ. डॉक्टर साहबा, मुझे ऐसी डॉक्टर नहीं है जो लोगों को गोलियां देता हो, बल्कि माशाल्लाह अक्सर मसाइल का हल अपनी ही बातों से कर देती है. ख्यालात को मौसर अल्फाज का जामा पहनाने की जो सलाहियत अल्लाह ने डॉक्टर साहब को वदियत की है, उसने उन्हें एक माहिर तालीम, दानिश्वर, हुकूक इंसानी बिलखसूस खवातीन के हकूक के अलम परदार की हैसियत से बहस चेयरपर्सन NCSW और कौमी तशख्स को उभारने मसरूफ अमल लोगों में एक नुमाया मकाम अदा किया है. डॉक्टर आरफा ने पाकिस्तान और अमरीका से उर्दू और तारीख में डॉक्टरेट की है और गोल्ड मेडल्स, खैर मेरे अंदाजे में गोल्ड मेडल्स की कलेक्शन तो डॉक्टर साहब के पास उनकी शायद जेवरात की कलेक्शन से बड़ी होगी, कि तालीम का मैदान हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डिबेट्स, उनके आगे किसी की मुश्किल ही चलती थी. मजाक बरतरफ, डॉक्टर साहब इस नस्ल से ताल्लुक रखने वाली है जिसने पाकिस्तान बनते देखा और उसके हर टूट फूट पर आंसू बहाए, और वो उन मादूदे चंद में से हैं जो हर सूरत पाकिस्तान की सालमियत की जंग पाकिस्तान में रहकर लड़ने के कायल हैं. अल्लाह से दुआ है कि डॉक्टर साहब को सेहत सलामती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए. डॉक्टर साहबा फराज के शेर को अमल के माने पहना रही हैं कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते. पढ़ाने और नई दुनिया के मेहमानों की तरबियत का जोश और जज्बा उनमें है शायद ही किसी में दिखाई देता हो. लाहौर कॉलेज के प्रिंसिपल के अहदे से रिटायर होने के बाद भी आज कई दिन FC कॉलेज लाहौर और फैज घर में तारीख और उर्दू पढ़ाती हैं और अपने अक्सर वीकेंड और शामें कच्ची आबादी के बच्चों की तदरीस में गुजारती हैं. ये उसके अलावा है जो वक्त वो हम ऐसे बूढ़े तोतों की तदरीस से मुख्तलिफ अदबी महाफिल, फैज मेला, लिटरेरी फेस्टिवल्स में सर्फ करती हैं. मैं अब मजीद आपका वक्त ज़ाय नहीं करूँगा कि डॉक्टर साहिबा ने आज हमारे लिए जो मौजू चुना है, तारीख और अदब से हमारी दूरी और उसके सद्देबाब, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि ये वक्त यकीनन नाकाफी होगा, बिलखसूस ऐसे लर्नड स्पीकर के लिए. मैं शुक्र गुजार हूँ उनका कि वह हालिया नजत पर शफकत फरमाते हुए ऐसे बे वक्त हमें वक्त दे रही हैं. उनसे माफी का खास गुजार हूँ कि उनकी हुक्मदूली करते हुए बिना तारीफ बात शुरू नहीं करने दी, कि इस सूरत में मैं अपने इजहार फख्र से भी महरूम नहीं होना चाहता था. डॉक्टर आरफा साहबा, वेलकम. आई थिंक इट इज योर फ्लोर नाउ. People will keep joining and we'll go on this. जी मैडम, को मैं अनम्यूट करूं. सब तक मेरा सलाम बहुत एहतराम के साथ पहुंचे. वालेकुम सलाम. बड़ी नवाजिश है आबान उस्मानी की. मैं उन्हें बहुत बेतकल्लुफी से आबान कहती हूँ और उस्मानी का लायका इसलिए है कि मैं उनको इसी लायके से पहचानती हूँ. बहुत एजाज़ आप सब ने मुझे दिया कि मैं आपके दरमियान मौजूद हो सकूँ, और बज़ाहिर बहुत आसान लेकिन दरअसल बहुत मुश्किल मौजू पे आपसे बात कर सकूं. और उस मुश्किल क्यों मैं उसको कह रही हूँ, उसकी बुनियादी वजह तो ये है कि आबान ने जिस तरह मेरा तारुफ करवा दिया है उसके बाद तो किसी की भी बोलने की मजाल नहीं रहना चाहिए, वही खामोश करने को काफी है. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं एक पुराना पापड़ी उस्ताद हूँ
और उस्ताद बहुत शौरी तौर पर जानबूझकर बनी थी, बहुत बहुत शौरी तौर पर, क्योंकि जिंदगी भर तालिब इल्म रहना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर कोई तरीका नहीं होगा कि आदमी दर्स व तदरीस के ताल्लुक से कभी अलग ना हो सके। सवाल यह है कि हम, और जब मैं हम कहूँ तो हम सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, हम सारी दुनिया के लोग, और हम बिलखसूस मुसलमान, हमने तारीख के साथ बहुत जुल्म किया है। हमने तारीख में भी अपनी पसंद का एतराफ किया है, और हमारे नजदीक तारीख सिर्फ वो होती है जो हमें अच्छी लगती है। तारीख दरअसल एक बड़ी सच्ची चीज है, वो एक इज्तिमाई जमीर भी है, इज्तिमाई तजर्बा भी है, और इज्तिमाई याददाश्त भी है। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई तारीख और तारीख की कोई फहम मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक वो वक्त और उसके तकाजों से हम आहंग ना हो। शायद मैं इस बात को यूं कह सकूं कि तारीख कभी अपने सियाक व सबाक के बगैर कुछ नहीं होती। हम कभी भी तारीख के सियाक को, और जिन लोगों के लिए ये लफ्ज मुश्किल हो सियाक का, तो पाकिस्तान की कौमी जबान तो उर्दू है लेकिन मादरी जबान अंग्रेजी है, इसलिए मैं मादरी जबान में इसका तर्जुमा कर दूंगी कि कॉन्टेक्स्ट के बगैर, कॉन्टेक्स्ट के बगैर तारीख समझ में नहीं आ सकती, और समझ में आने की तो बहुत दूर की बात है, तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। हमने कभी तारीख को मुकम्मल तौर पर नहीं देखा, टुकड़ों में देखते हैं। मैंने पहले अर्ज किया था, जो पसंद है वो कबूल कर लेते हैं, जो नापसंद है उसे रद्द कर देते हैं। जब तक हम तारीख को उसके वक्त और उसके तकाजों से हम आहंग नहीं करेंगे, और फिर उसको हम अपने वक्त और अपने वक्त के तकाजों से हम आहंग नहीं करेंगे, हम जिंदगी के साथ भी इंसाफ नहीं करेंगे और हम तारीख के साथ भी इंसाफ नहीं करेंगे। तारीख को आप कभी वक्त से अलग नहीं कर सकते। वक्त से अलग करके आप जब कभी भी तारीख को देखेंगे तो एक इंतशार होगा, एक मखमसा होगा, और इसीलिए मुसलमान आज तक एक इंतशार में और एक मखमसे में फंसे हुए हैं। जिंदगी में सिर्फ फतह कोई चीज नहीं है, फतह के मानी भी शिकस्त से पैदा होते हैं। जो शिकस्त को नहीं जानता वो फतह का लुत्फ नहीं उठा सकता। शिकस्त का मतलब पामाल होना, पसपा होना, कमतर होना नहीं है। शिकस्त के मानी ये है कि हम सीखने को तैयार हैं, आगे बढ़ने को तैयार हैं, मुस्तकबिल में देखने को तैयार हैं। परवरदिगार ने हमें अशरफुल मखलूकात तो पैदा किया मगर मुकम्मल पैदा नहीं किया, और तकमील का हमें गुर सिखा दिया। और तकमील का गुर ये था कि हम अपने इम्कान की तलाश करें। जिस कदर हम अपने इम्कान की तलाश बेहतर तौर पर कर पाएंगे, उसी कदर हम तामीर अपनी जिंदगी की कर सकेंगे, इसलाह कर सकेंगे, तरतीब कर सकेंगे, तदवीन कर सकेंगे, और फिर हम ये कह सकेंगे कि हमने वक्त से कुछ सीखा। तारीख का आईना हमारे सामने रहा और उस तारीख के आईने में हम अपनी शक्ल देखने से घबराए नहीं। मैं ये समझती हूँ कि तारीख इंसान के तजर्बों की दस्तावेज है और इंसान के ख्याल का अक्स है। न तजर्बे एक से रहते न ख्याल एक सा रहता है, दोनों को बदलना चाहिए वगरना तरक्की के कोई मानी नहीं हो सकते। देखिए, आप कितने तजिया करना चाहें, दलील लाना चाहें, गो के मुसलमानों का कोई ताल्लुक दलील और मंतिक तजिये से नहीं रहा है, मुझे माफ कर दीजिएगा, वो हमेशा वक्त का हवाला मांगता है कि सूरत हाल क्या है और उसको देखा कैसे जाए, उसको परखा कैसे जाए। हम परखने में यकीन नहीं रखते। खास तौर पर आप लोग वाकिफ होंगे कि पाकिस्तान में
मेरे महबूब जनरल जियाउल हक के बाद से जो एक आलम पैदा हुआ है और जो वो बीज बोकर गए थे वो उसकी फसल आज हम काट रहे हैं और मुझसे ज्यादा मेरे बाद की नस्ल काट रही है। और हमने सोचा था कि हम कांटे बोएंगे तो गुलाब उगेंगे, कानून फितरत में और अल्लाह की सुन्नत में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जिंदगी के तजुर्बों को अगर हम फहम से परखना चाहें और दानिश से समझना चाहें तो फिर इस दानिश को परखने का जौहर तारीख है। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ और आप लोगों से गुस्ताखी की माजरत करके ये कहना चाहूंगी कि तारीख में आमतौर पर सिर्फ नाम, दिन, महीना और साल दुरुस्त होता है, लेकिन अफसाने में आमतौर पर तारीख, महीना, दिन और साल गलत होता है मगर बाकी सब कुछ सही होता है। उसको एक पर्दा मिलता है कहानी का और उस कहानी के पर्दे में सच बोलने की इजाजत मिलती है। वो क्या आप देखेंगे कि हमारे यहाँ सच बोलने की इजाजत भी तकरीबन नामुमकिन होती जाती है। हमने सोचा है कि बसीरत जो है वो फाल निकालने से, जायचा बनाने से और पेशीन गोइयां करने से हमें मिल जाएगी। नहीं होगा ऐसा, ऐसा नहीं होगा। दरअसल इल्म और तजर्बे की बुनियाद पर हम जिंदगी की खैर और जिंदगी की तहजीब की तमन्ना कर सकते हैं। साहिबान बसीरत तो वो होते हैं जो जिंदगी से आंखें चुराते नहीं, जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम पर इख्तियार पाने का हमारा ही हौसला है। हमने क्या किया कि खुद को बदल दिया, हमने इख्तियार के मानी इख्तदार कर लिए। आप देखते हैं बहुत सौ के पास इख्तदार है मगर उनके पास मुझ जैसे नाचीजों से भी कम इख्तियार है, क्योंकि कभी कभी इख्तदार बचाने के लिए सारे का सारा इख्तियार तज देना पड़ता है। और तारीख ये कहती है कि जो कोई इख्तियार में है वो दरअसल साहेब बसीरत भी है और साहेब हैसियत भी। मैं मौलाना रूम की मानने वालों में से हूँ, मद्दाहों में से हूँ और उन्होंने क्या अच्छी बात कही कि सारा इख्तियार तर्क में है, जो कुछ छोड़ नहीं सकता उसके पास कैसा इख्तियार है। और आप देखिए कि जो कुछ छोड़ नहीं सकते वो हमेशा साहिबाने इख्तदार होते हैं। मेरे और आप जैसे तो इख्तियार करने को हमेशा तैयार रहते। मैं तारीख को इज्तिमाई याददाश्त भी कहती हूँ, मैंने इज्तिमाई जमीर कहा था, इज्तिमाई याददाश्त भी है। और जब किसी माशरे को बिगाड़ना होता है, मुंतशिर करना होता है, उसको एक दूसरे से जुदा करना होता है तो मौका परस्त हमेशा उस माशरे की तारीख को मस्ख कर देते हैं। तारीख का मस्ख करना दरअसल इज्तिमाई याददाश्त को मिटाने की कोशिश है। और मिटाते हम इसलिए हैं क्योंकि हम शर्मिंदा होने से भी बहुत घबराते हैं। अपने किसी अमल से हम शर्मिंदा नहीं होना चाहते। हमने ये साबित करने की कोशिश की है कि हमसे कभी कोई कोताही हो ही नहीं सकती, चूंकि हमसे कोताही नहीं होती इसलिए किसी और को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं, और जब मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं तो फिर इंतकाम का इख्तदार हमारे पास होता है। और हमारी जबान पर एक अजीब तरह का जबर, अजीब तरह का जबर आता है और जहां हम जबान को भी बिगाड़ते हैं। पाकिस्तान के माशरे में, और मेरा ख्याल है मैं जब आप सबसे आज मुझे ये एजाज मैसर है कि गुफ्तगू करूं तो ज्यादातर लोग शायद पाकिस्तान के हों या कहीं से भी हों, तो मैं जनूबी एशिया कह सकती हूँ बेहद इत्मीनान से। मेरे ख्याल में महज़ब वो नहीं है जो गलती नहीं कर सकता, महज़ब वो है जो गलतियों को दोहराता नहीं, सीखता है। और तारीख हमको ये सिखाती है कि गलतियों को हम दोहराएं नहीं, क्योंकि वो हमारी गलतियों की, हम इंसानों की गलतियों की निशानदेही करती है। जब हमारे
सामने तारीख निशानदेही कर दे तो हम उससे बच भी सकते हैं, उसको बेहतर भी कर सकते हैं, और उसको बेहतर करने और उससे बच जाने का नाम दरअसल तहजीब होता है। अब आप बताइए कि मैंने कहा था कि जिंदगी दरअसल अपने इम्कान को तलाश करने का नाम है, मैं अभी भी यही समझती हूँ। जब हम अपने इम्कान को तलाश नहीं कर पाते तो हमने एक बहुत आसान लफ्ज अपने लिए ढूंढ लिया है, हम खुद को बदनसीब कहने लगते हैं। नहीं, मैं मेरे नज़दीक बदनसीब वो होता है जो अपनी जिम्मेदारी से रूगर्दानी करता है, जो उसके जिम्मे है वो नहीं करता। कुरान मेरा ख्याल है ये कहता है कि अगर किसी को जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो कोशिश करनी होगी, तो जो हासिल करने की तमन्ना है वो मेरा नसीब है, और जो उस तमन्ना को कामयाबी का पैकर अता करना है वो मेरा अमल होगा। माशरों की जिंदगी मैं समझती हूँ जाहिर से ज्यादा बातिन की तलाश करती है। पाकिस्तानी माशरे का जाहिर तो इस कदर तम तराक वाला है, लेकिन काश के बातिन भी कहीं उससे मेल खाता होता। होना तो ये चाहिए था कि न सिर्फ जाहिर हो न सिर्फ बातिन हो, जाहिर में बातिन हो और बातिन में जाहिर हो। मुझसे एक दफा एक मौलाना ने बहुत, वो खफा थे और अक्सर औरतों से बहुत ज्यादा खफा रहते हैं, तो ये कहा था कि आप समझती नहीं हैं कि रूह जिस्म के अंदर रहती है। मैंने उनसे कहा कि मैं तो आज तक ये समझती रही कि जिस्म रूह की रोशनी में रहता है, जिस दिन वो रोशनी जिस्म से जुदा हो जाती है उस दिन जिस्म भी नहीं रहता। तो सवाल ये है, हम ये सोचें, और जब एक और भी मौजू तारीख के साथ साथ मुझे मुझसे कहा है आबान ने कि मैं उस पर बात करूं, और वो उर्दू जबान की बात है। मेरा एक जुमला मेरा अपना ईमान होता जाता है, और उसूल है ये कि जबान ख्याल का वतन होती है। अगर ख्याल नहीं, अगर वतन ही नहीं, तो जबान तो हमेशा महाजिर रहेगी। मैं वो महाजिर कौमी मूवमेंट की बात नहीं कर रही, उसको कभी कोई अपनाने वाला नहीं होगा, अजनबी होगी। अफराद की गरीबुल वतनी का तो हम रंज भी करते हैं और नौहा भी बहुत पढ़ते हैं, मगर हमने आज तक जबान की बेवतनी का अलमिया नहीं देखा, और ना उस पर हमने कभी गौर किया है कि हम उर्दू से दूर क्यों हुए। देखिए, मैं उर्दू को न कमतर जबान जानती हूँ न मजलूम जबान जानती हूँ। उर्दू एक बड़ी तवाना, बहुत कवी, और सबसे ज्यादा ये कि एक बेहद मिलनसार मिजाज रखती है। जिस जबान से मिलती है उसको गले लगा लेती है, उसको अपना लेती है। अगर किसी जबान में अपना लेने का दामन इतना वसी हो तो उसके बोलने वालों को, उसके समझने वालों को इतनी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। और आप देखिए कि उर्दू तो मुसलसल सुरखरू रही है, ये जिद कि कौन सी उर्दू सही है और कौन सी उर्दू गलत, इस जिद को भूल जाइए। इसलिए भूल जाइए कि जिद से हमेशा उसूल खत्म हो जाते हैं। उसूलों को जिंदा रखना होता है तो गुंजाइश देना होती है। जनाब ज़ियाउल हक़ का एक और तोहफा है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने हमसे बर्दाश्त और रवादारी दोनों चीजें छीन ली। क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करते इसलिए हमें सवाल करने की इजाजत नहीं है। और मैं अक्सर अपने तालिब इल्मों से भी कहती हूँ और खुद से भी कि जो सवाल नहीं करता उसे जवाब कहाँ से मिलेगा। जवाब के लिए सवाल करना बहुत जरूरी है। उर्दू बदलने पर यकीन रखती है, बदलती चली आ रही है, लेकिन ख्याल हमारा यह है कि हम उर्दू से और उर्दू अदब से अलग क्यों हुए। आबान से कहने की तो गुस्ताखी की थी, आज आपके सामने भी ये बात दोहराने की गुस्ताखी कर रही हूँ।
जबान हमेशा तहजीब का मजहर होती है। अगर कोई तहजीब किसी चीज से जाहिर होती है तो जबान से, और वो जबान जो फिर अदब में ढल जाती है। हमारी तरजीहात बदल गई जिंदगी में, हमारी तरजीह एक ऐसी तहजीब पर हुई जो बड़ी दुकानों से खरीदी जा सकती है। अफसोस यह है कि आला फिक्र मुताले के बगैर, आला फिक्र जबान की फहम के बगैर कहीं से नहीं खरीदी जा सकती। अभी उसकी कोई ऐसी दुकान नहीं खुली जहां से हम वो फिक्र खरीद लाएं। और फिक्र मेरे पहले ख्याल से जुड़ी हुई है कि जब आप सवाल ही नहीं पूछ सकते तो फिक्र करने के क्या मानी है, क्या जरूरत है कि हम सोचें। और ये मैं यहाँ इस बात को वाजे कर देना चाहती हूँ कि फिक्र की बुनियाद अगर सिर्फ जज्बातियत होगी तो फिक्र पर अमल करने के इम्कान कम से कमतर होते चले जाएंगे। और अगर फिक्र जज्बात की बजाय एहसास की सतह पर आएगी तो फिर नक्शफरियादी नहीं रहेगा बल्कि शोखी तहरीर का आईना हो जाएगा। हम खुद पर एतबार नहीं करते इसलिए अपनी किसी चीज पर एतबार नहीं करते। और मुझे ये कहने की भी गुस्ताखी की इजाजत है या नहीं, मगर मैं कर रही हूँ कि खास तौर पर पाकिस्तान के पस मंजर में हमारे मुल्ला ने हमारी नजर इस दुनिया से हटा दी है। वो 70 हूरों की फिक्र में खुद भी जिंदा है, सबको जिंदा रखे हैं। वो तो जब वहां पहुंचेंगे तो फैसला होगा। एक बेहद बुजुर्ग पैगंबर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो सबसे पहले अपने रब से मांगा था कि जो दुनिया का बेहतरीन है वो मुझे दे दे, क्योंकि उस दुनिया की बुनियाद इस दुनिया की बुनियाद पर। अगर हम यहाँ सुरखरू ना हुए तो वहां सुरखरू होने की कोई दलील हमें नजर नहीं आती। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, हम कहाँ भटके। सबसे बड़ी बात तो हम जबान के मामले में हद से ज्यादा तासुब का शिकार हुए, हद से ज्यादा तासुब का शिकार हुए। और जब मानी की आंख से तासुब की गदली की बूंद टपकने लगे तो जबान का शफाफ ख्याल से कोई रिश्ता नहीं रहता। और बड़ी बात और भी है कि जबान को तो अकीदा हो जाना चाहिए। और खुदा करे कि मैं इस बात पर आपको खफा ना कर सकूं। अकीदे से मुराद मेरी यह है कि वो उसी तरह उस पर यकीन पुख्ता तर हो कि वो हमारी शनाख्त का हिस्सा है। अकीदा जबान हो जाए और जबान अकीदा हो जाए तो तहजीब की शख्सियत मुकम्मल हो सकती है। अब जो लोग उर्दू को ये भी कहते हैं कि उर्दू तो नाकिस है, उर्दू तो बेकार जबान है, उर्दू में तो मानी नहीं है, आप अंग्रेजी देखिए तो क्या अच्छे लफ्ज हैं। अब आप बताइए कि टेलीफोन का उर्दू में क्या तर्जुमा है, कंप्यूटर में को उर्दू में क्या कहते हैं। मैं बेहद दस्त बस्ता एक अर्ज करती हूँ कि नाम रखने का हक सिर्फ उसको होता है जो उस चीज को ईजाद करता है, जो खुद तो बना नहीं सकता मगर नाम की तलाश में रहता है। हम सिर्फ नाम की तलाश में रह गए, ना खुद को ईजाद कर पाए ना किसी दूसरी चीज को ईजाद कर पाए। जबान की बेतौकीरी तो दरअसल उस जबान के बोलने वालों की थकन है। मैं थकन का लफ्ज जानबूझ कर इस्तेमाल कर रही हूं। हमने देखिए अपनी जिंदगी में क्या अच्छे फैसले किए। हमने सोचा कि हम अपनी औलाद को एक आला जिंदगी देने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे और जो किसी को मैसर नहीं वो हम उन्हें दे दें। हमने दिए, हमने उन्हें जिंदगी के जितने जाहिरी फायदे थे, जितने जाहिरी उसके अवामिल थे वो उनकी हथेली पर रख दिए, हमने अपनी तहजीब उनको नहीं दी। मैं खुद को गुनाहगारों में शामिल करती हूँ, हमने अपनी जबान उनको नहीं दी। मैं बूढ़ी हो गई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनते, कभी किसी ने मुझसे ये
मेरे सामने किसी बच्ची से ये नहीं कहा या बच्चे से ये नहीं कहा कि उर्दू की कोई नज़्म सुना दो, क्योंकि उर्दू की नज़्म सुनाने से तो हमारी तरक्की और उसके इम्कान पर हर्फ आने लगता है। ज़बान अपने इम्कान की तलाश का सबसे बड़ा जरिया है। मैं गालिब का एक शेर पढ़ती हूँ, आबान आपके लिए ख़ास तौर पे पढ़ रही हूँ, क्योंकि इनको शायरी से खुद भी बहुत लगाव है, इनके वालिद बहुत अच्छे शायर थे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, ये देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। मुझे तो अभी तक किसी दूसरी जबान में इस तरह का शेर मिला नहीं। मैं बहुत आजिजी से इस बात का इतराफ़ करना चाहूँगी कि मैं 7 जबानों से कुछ ऐसी ही शुद्ध-बुद्ध रखती हूँ जैसे उर्दू से मेरी वाकफियत है। और चूंकि शेर किसको पसंद नहीं होते, शेर आदमी का एहसास जगाते हैं, और मेरे ख्याल में ये जो हम एक कशाकश में मुब्तला हो गए ना कि क्या चीज़ तरक्की है और क्या चीज़ तरक्की नहीं है, और उसमें हम अपने आप को भूल गए। कशाकश आपको कुव्वत का, ताकत का, और रुपए पैसे से ज्यादा तो ताकत किसी चीज में नहीं होती। हम उसको तो बहुत याद रखते हैं, लेकिन ये सोच लीजिए कि उस कुव्वत और ताकत की मंजिल कोई नहीं होती जिसकी बुनियाद तहजीब पर न तामीर हुई हो। तरक्की जिंदगी को कबूल करने का नाम है, मुकम्मल तौर पर कबूल करने का नाम। और तहजीब सिर्फ ये नहीं है मैं कह रही कि कोई खास तरीका है, तहजीब तो दरअसल आपके अंदर जो एक अखलाक का पैमाना है, उस पैमाने पे अगर हम अमल कर लेते हैं तो हम मुहज्जब हो जाते हैं। जबानी जमा खर्च से हम मुहज्जब नहीं होते। मेरे ख्याल में तो मुहज्जब होना तो दरअसल दर्द की मता को जमा करने का नाम है। और जिसने जिंदगी में दर्द नहीं देखा, दर्द नहीं सहा, उसकी जिंदगी मुकम्मल नहीं हुई। और ये सारा दर्द जब आपकी अपनी फिक्र से बावजूद रहता है तो फिर हम खुद को मुहज्जब कह सकते हैं। आप जबान से फिक्र को अलग कर दीजिए तो लफ्जों के पैकर रह जाएंगे और वो बहुत भयानक लगने लगेंगे। लफ्ज तो हमें उस वक्त अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके पीछे मानी की पूरी दुनिया होती है, और मानी वो हैं जिनको मैं और आप अपने इम्कान से तलाश कर सके। मैं तो मुस्तकिल तौर पर इनकार करती रही जिंदगी भर, और अपनी जिंदगी के इस झुटपटे में ज्यादा शिद्दत से करती हूं कि मायूस होना किस चीज का नाम होता। जिंदगी में सुबह भी है, शाम भी, दिन भी है, रात भी। जो जिंदगी को कबूल कर ले वो खुद पर भी इन्हिसार करता है और उन चीजों पर भी इन्हिसार करता है जो उसकी अपनी तारीख, अपने तजर्बे की दस्तावेज से उस तक पहुंची है। मेरी आप सबसे गुजारिश ये होगी कि एक बार अपने आप से अपना तारुफ करा लीजिए, आप बहुत खुश हो जाएंगे। आपने मुझे ये एजाज दिया, इतने सब्र, इतने तहम्मुल, इतनी इनायत से आपने मुझको सुना, मेरे पास उसके शुक्रिया के लिए लफ्ज नहीं है। मेरी परवरदिगार से दुआ है कि हम सबको सर ऊंचा करके जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सो काइंड ऑफ यू, वी आर सो ऑनर्ड। आपने मुझे मालूम नहीं, शायद मैंने वक्त ज्यादा ले लिया हो, मगर उसके नहीं जनाब, कम लिया वक्त तो पता नहीं लग रहा था, मगर मैंने भी घड़ी देखी तो मुझे ज्यादा चाहिए था। आप
अभी सवाल जवाब अगर आप के पास कोई हो और उन सवालों के हवाले से मैं मजीद बोल सकूं, जवाब तो आपको क्या दे पाऊंगी, एक से एक साहिब इल्म मेरे सामने है। अच्छा, ग्रुप वाले जो सवाल पोस्ट कर रहे हैं आप वो डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। जी और सवाल भी पूछेंगे हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, तो एक सवाल काफी स्टूडेंट्स भी मौजूद है और टीचर्स भी उर्दू के मौजूद है जो पढ़ाते हैं मज़ामीन। मैडम उस हवाले से रहनुमाई फरमाएं कि ये पूछे जा रहे हैं कि उर्दू का आजकल जो करिकुलम भी है, हमने डिफरेंट स्कूलों का निज़ाम भी देखा, पाकिस्तान के अंदर भी देखा, यहाँ सऊदी अरब भी डिफरेंट स्कूल्स का सिस्टम देखा, तो उर्दू को वो अपने बहुत खूबसूरत, बाकी बहुत तवाना जबान है, बहुत कवी जबान है और हमें इस पर फख्र है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अरेबिक से भी बहुत अच्छा है, जो सऊदी अरब में लोग रहते हैं मेरे ख्याल में जिसकी उर्दू अच्छी है वो अरबी भी अच्छी जान लेते हैं। मैं अपनी बात तो नहीं करता, मैं तो मेरी पहली जबान तो पश्तो है, तो मेरे लिए उर्दू अंग्रेजी एक ही जैसे है, दोनों मैं गुलाबी स्टाइल में बोलता हूँ। और लेकिन यह है कि मैडम से गुजारिश करेंगे कि आप हमारे टीचर और स्टूडेंट्स के लिए कोई एक ऐसी रहनुमाई फरमाएं कि आजकल जो सदे बाब है इसका कैसे हम इस डिक्लाइन से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया, ये सवाल बहुत परेशान उस्ताद और उनसे ज्यादा परेशान तालिब इल्म करते हैं। मैं एक बिल्कुल एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जिसके लिए मैं काबिले गर्दन ज़दा नहीं होंगी। हम उर्दू में उर्दू जबान, उर्दू अदब और उर्दू जबान के उसूल कम पढ़ाते हैं और उसमें भी हम इस्लामियात पढ़ाते हैं। आप पाकिस्तान की कोई किताब उर्दू की उठा के देख लीजिए, मुझे नहीं मालूम कि ये बेयकीनी क्यों हो गई हम में इतनी। तारीख में इस्लामियात पढ़ाते हैं, जोग्राफिया में पढ़ाते हैं, इक्तिसादियात में पढ़ाते हैं, नफ्सियात में पढ़ाते हैं, कहीं जबान भी पढ़ा लीजिए। और जबान जब पढ़ाते हैं तो कुछ इतनी जिन्नाती जबान पढ़ाते हैं कि बच्चा उसकी सूरत और उसकी आवाज देख के भाग जाता है। मुझसे एक बच्चे ने आके पूछा कि मुझे ये बता दीजिए कि मिक्यासु सौत किसको कहते हैं। तो मैंने कहा तुमने कहां से सुन लिया ये इतना बड़ा भारी लफ्ज। कहता है मुझे आज क्लास में पता चला। क्या जरूरत है ये कहने की, उर्दू में भी आवाज गहरी हो सकती है, उर्दू में भी आवाज ऊंची हो सकती है, उर्दू में भी आवाज फैल सकती है, उर्दू में भी आवाज मध्यम हो सकती है, उर्दू में भी आवाज बोझल हो सकती है। और जो जबान हम इस वक्त बोलते हैं आम, मुझे सऊदी अरब का नहीं मालूम, पाकिस्तान में एक जुमले में 75% लफ्ज अंग्रेजी के 25% उर्दू होती है। हम शर्मिंदा हैं कुछ उर्दू को अपना के, और फिर इलाकाई जबानें अलग उर्दू से खफा हैं। हमने इस उर्दू की खफगी की को बुनियाद समझ कर पाकिस्तान का आधा हिस्सा गंवाया, वो कि मैं ये कहने की जुरत करूंगी कि मशरिकी पाकिस्तान हमसे सिर्फ जबान की बुनियाद पर अलग नहीं हुआ। हम में से जिसे इख्तदार मिल जाता है वो दूसरे को अपना महकूम जानने लगता है। तो जो बरतानवी हमारे साथ सलूक कर रहे थे वही सलूक हमने बंगालियों के साथ किया, उन्हें मंजूर नहीं हुआ। और किसने कहा कि कौमी जबान के साथ इलाकाई जबानें तरक्की नहीं कर सकती, होना चाहिए। एक बच्चा जितनी ज्यादा जबानें जानता है उसका ख्याल उतना शादाब और वसी होता है, वो किसी बात से घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता। जबानें तो मैं समझती हूँ, अगर मैं कुछ दौलत है मेरे पास तो वो ये इन्हीं लफ्जों की दौलत है, मगर हमने इसको कभी दौलत जाना नहीं। उस्तादों से आप देखिए, मुझे नहीं मालूम आप लोग कहाँ का निसाब इख्तियार करते हैं, आपके लिए अलग लिखा जाता है। पाकिस्तान में स्कूलों के उस्तादों के लिए पहले तो यहाँ पर फेडरल बोर्ड पढ़ाते हैं। अच्छा, या एक तो उर्दू के निसाब की किताब बनाई जाती, फिर एक उस्ताद के लिए नसीहत नामा बनाया जाता है। किसी जमाने में मैंने सुना है कि नसीहत नामा जौजा और नसीहत नामा खाविन छपते थे, अब नसीहत नामा उर्दू तदरीस छपता है। अगर बच्चे ने ये लिख दिया कि मेरे ख्याल में ये बात मौजू है तो उसको उसका सिफर मिलेगा।
क्योंकि उस्ताद के हाथ में जो नसीहतनामा हिदायतनामा दिया गया है उसमें उसका जवाब ये लिखा है कि मेरे ख्याल में ये बात मुनासिब है। अब बताइए मुनासिब और मौजू से झगड़ा, अगर हम लफ्जों के मानी नहीं समझेंगे, अगर हम मानी अल्फाज को नहीं जानेंगे। खूबी तो ये है कि हमें इतने हम मानी अल्फाज आते हों कि जो जरा सी बात की कैफियत से वो हम लफ्ज को बदल सकते हैं, खिलखिला के भी हंसते हैं और ठट्ठा मार के भी हंसते हैं और कहकहा भी लगाते हैं, मुस्कुराते भी हैं, और कभी वो मुस्कुराहट दबी हुई होती है, कभी खिली हुई होती है। आप ये सब लफ्ज निकाल दीजिए और कहिए हम सिर्फ मुस्कुराएंगे, ये कैसे मुमकिन? बड़ा जुल्म है। आपकी तसल्ली के लिए बताना चाहती हूँ कि मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू जिन्हें हम कहते हैं, उनका एक मजमून पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की एक किताब में शामिल था। उनकी एक बहुत खूबसूरत किताब है जिसमें उन्होंने शख्सी खाके लिखे हैं, आप में से शायद बहुत से लोगों ने देखी होगी, उसका नाम चंद हम असर है। और उसमें उन्होंने एक माली की शख्सियत के लिए लिखा है, लेकिन बदनसीबी से वो माली हिंदू था। वो तो उसकी मशक्कत की बात कर रहे हैं, मेहनत की बात कर रहे हैं, लगन की बात कर रहे हैं कि जब पानी न मिले तो वो मीलों चल के पानी लेके आता था और अपने पौधों को पानी देता। जंग अखबार लिखता है कि ये तो जो मुल्क दुश्मन लोग हैं उन्होंने ये साजिश की है पाकिस्तान के खिलाफ और हिंदुओं को एक तसव्वुराती कैफियत में मुब्तला करके हमारे सामने पेश किया। अंजामकार वजीर आला शहबाज शरीफ थे, उन्होंने कहा मौलवी अब्दुल्ला के मजमून को हिसाब से निकाल दिया जाए। किसी ने ये नहीं देखा कि वो कैसी सलीस जबान लिखते थे, कैसी सादा जबान लिखते थे। और फिर अब तो ये आलम हुआ है जो किसी ने लिखा भी है अपने लिए, बच्चों के लिए उर्दू में अदब है ही नहीं, और उर्दू की जो किताबें छपती हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि रद्दी कागज पे छापी जाती। बच्चा जब अंग्रेजी की किताब हाथ में उठाता है तो उस किताब के लम्स से, उसकी तस्वीरों से, उसकी चमक से, उसकी मुलायमत से उस किताब का गिरविदा होता है। उर्दू की किताब देखिए तो उसका पहला सफा पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने सबके कान मड़ोड़ दिए। ये हम अपने साथ खुद कर रहे हैं, हम जबान को खुद मिटा रहे हैं, और जबान को हम इसलिए मिटा रहे हैं और एक अजब तरह का तजब्जुब हमने पैदा किया है कि कहीं अदब में और जबान में और मजहब में कोई बड़ा इख्तिलाफ है। अब हमारे यहाँ ऐसे बड़े बड़े मजहबी आलिम मौजूद हैं जो आजकल ये कह रहे हैं कि जमीन साकिन है। अल्लाह अकबर। किसकी सुने आदमी? बच्चा कहेगा कि छोड़िए ये उर्दू की बातें गलत है, अंग्रेजी में सही लिखा है कि जमीन गर्दिश करती है। जब आप हकाइक को बदल देंगे, जब आप एक तनाजा पैदा करेंगे, जब आप लोगों को एक दूसरे के सामने ला के खड़ा करेंगे, और इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, थोड़ी सी बगावत कर लीजिए, थोड़ी सी बगावत कर लीजिए। जो किताब आप पढ़ाते हैं उस किताब को रखिए और उस किताब के होते हुए वो पढ़ाइए जो उस मौजू पर कुछ और भी हो सकता है। मैं दस बस्ता माफी करके एक बात कहूंगी कि हमसे मुताले की आदत छिन गई। अब हम आम तौर पर पढ़ते नहीं हैं, हम बस उतना पढ़ते हैं जितना हमारे जरूरत का होता है, उससे आगे हम नहीं पढ़ते। मुताला वसी कर लीजिए, अपना भी और बच्चों का भी, और मत उनसे कहिए कि ये निसाब सही है या गलत है। उस निसाब के मौजू पर आप उन्हें जहां से कहीं से एक अच्छी मुतबादल तहरीर सुना सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, जरूर ले आइए और बताइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे जब बोलिए तो उर्दू बोलिए, क्योंकि हम अब उर्दू ऐसे बोलते हैं, तुमने मेरी बात सुनी, आर यू विद मी, अच्छा फिर कल मिलेंगे, सी यू टुमारो,
मुसलसल तर्जुमा करते रहते हैं कि कोई ये ना समझे कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, हम गैर तरक्की याफ्ता हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या जरूरत है तर्जुमा करने की? और तर्जुमे से ज्यादा कोई चीज जबान को बर्बाद नहीं करती। मैं तो तर्जुमे के हक में ही नहीं। आप एक जबान के लफ्ज दूसरी जबान में नहीं ले जा सकते। हाँ, आप एक ख्याल को किसी दूसरी जबान में लिख सकते हैं, वो बात बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। मैं उर्दू पढ़ने और पढ़ाने वालों का कर्ब बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन मेरे पास उसका एक ही गुर था कि खुद कुछ और पढ़ लूं, ताकि उसी मौजू पर जब अपने तालिब इल्मों के सामने खड़ी हूँ तो उर्दू ही में उनसे कोई और बात भी की जा सके, और फिर उनको उनको उकसाऊं, उनको मुताले की बगावत पर आमादा करूं। आपसे भी यही इल्तजा है। जी अबान, डॉक्टर अबान, कुछ और भी सवालात मेरे ख्याल मैडम ने भी पढ़े होंगे कि हमारे बच्चे जिस तरह माशाल्लाह बहुत अच्छी नसीहतें आपने फरमाई और इसका कि हम बेसिकली शायद कम ही हमें समझ आती है कि जब हम उर्दू बोले तो जरूरी है कि इंग्लिश भी इसमें बोले। एक और जो सवाल एक मेरे ख्याल में चैट में पूछा है कि ट्रांसलिटरेशन जिसको बोलते हैं ना, कि हम उर्दू को भी इंग्लिश रोमन में लिखते हैं, इसका भी बहुत बड़ा आजकल रिवाज है और हमारे बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं रीडिंग में। देखिए, उसकी एक वजह है और वो वजह मैं और आप है। जी मैम, हमने अपने बच्चों को अच्छी अंग्रेजी पढ़ना सिखाई, अच्छी अंग्रेजी लिखना सिखाई, तलफ्फुज पर जोर दिया, हिज्जे पर जोर दिया, अल्फाज कैसे लिखते हैं, लफ्जों के दरमियान वक्फा कैसे होता है, लफ्जों को जोड़ा कैसे जाता है। मैं तो चूंकि कबलज मसीह की नस्ल से हूँ और मैं अपने वालिद की हमेशा बहुत ममनून रहूंगी, एहसान मंद, क्योंकि एक जमाने तक ये ख्याल था कि औरतें बहुत बदखत होती। मेरे वालिद ने कहा, नहीं, मेरी बेटी बदखत नहीं, सवाल नहीं पैदा होता, उसका खत बुरा। उन्होंने मुझे उसकी तरबियत दिलवाई, वो तरबियत जो पहले सिर्फ लड़कों के लिए मखसूस थी कि वो तख्ती लिखें और तवज्जो दी जाए, वही हमारे लिए भी हुई कि लफ्ज कैसे लिखे जाते हैं। हम कहते हैं कि तरक्की करना है तो उर्दू पढ़ के क्या करोगे, तुम तरक्की करो, ये अगर अंग्रेजी पढ़ोगे बाहर की यूनिवर्सिटियों में तुम्हें पढ़ना है, वहां उर्दू क्या करेगा। मैं एक अजूबा आपके सामने बैठी हूँ, मेरा बुनियादी तौर पर पाकिस्तान से जो एमए है पहला उर्दू में, और मेरी पीएचडी अमेरिका से तारीख में है, फिक्री तारीख में, वही उर्दू मुझे उतनी अंग्रेजी सिखा सकी कि मैं पीएचडी कर सकूं। बात तो ख्याल की है, अगर आपके पास ख्याल है तो जबान आपके आड़े नहीं आएगी। हम उर्दू को, मैं इस बात को बहुत दर्द से समझती हूँ, मुझसे लोग कहते हैं आशा वी वुड लव टू कम टू योर गालिब लेक्चर्स, बट आई डोंट, आई लव गालिब बट आई डोंट नो उर्दू। ये कैसा इश्क है, महबूब को नहीं जानते मगर मोहब्बत बहुत। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। महबूब को जानिए तो फिर मोहब्बत के मायने पता चले। हमने उर्दू को खुद पीछे किया है। हम अच्छा, एक और बात भी, हुकूमत पाकिस्तान की पैर खींचती गई तालीम से। मैं एक सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई मौजूद हूँ आपके सामने ना, वो स्कूल मुझे आज तक जिंदगी में कहीं शर्मिंदा नहीं करवाया पाया, न कहीं मेरे आड़े आया, मैंने जो कुछ सीखा था वहीं से सीखा। हुकूमत ने अपने पैर खींच लिए तालीम की जिम्मेदारी से, रियासत की जिम्मेदारी है तालीम। जब मैदान खाली था तो निजी तालीमी इदारे उसमें आए, निजी तालीमी इदारे रियासत की तरह से तालीम नहीं देंगे, उन्हें तो उससे नफा चाहिए, वो तो कारोबार की तरह देंगे। रियासत हक देती है, तिजारत हक नहीं देती। रियासत की जिम्मेदारी है तालीम को हक के तौर पर देना, तिजारत हक नहीं देती। तिजारत ने पैसे खड़े किए
बाहर से एक खूबसूरत किताब आई, गलत अंग्रेजी बोलता है कोई शख्स तो हम तालियां बजा बजा के दीवाने हो जाते, और कोई अच्छी उर्दू बोलता है तो कहते हैं हाँ ठीक था, ठीक सही रहा। तो कहीं से हम यूं तो गालिब पे बहुत नाज करते हैं, पर गालिब को अपने ऊपर गालिब कर लीजिए ना, हम अंग्रेजी के क्यों मगलूब हो गए। और ये फिक्री, ये गलबा फिक्री है। आप देखिए चीनी भी तो पढ़ने जाता है दुनिया में, जापानी भी तो पढ़ने जाता है दुनिया में, जर्मन भी तो पढ़ते हैं दुनिया में, फारसी वाले दुनिया में पढ़ने जाते हैं, वो नहीं है शर्मिंदा अपनी जबान से। एक हम समझते हैं कि उर्दू जो है बेचारी उससे ज्यादा यतीम जबान कोई नहीं, उससे ज्यादा नाकारा जबान कोई नहीं। उर्दू की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो इस इलाके में पैदा हुई, कहीं बाहर से नहीं आई, वो इस जमीन की बेटी है। फिर वो इस जमीन के मिजाज को समझती है, इस जमीन की सकाफत को समझती है, तहजीब को समझती है। हमें कौरमा तो बहुत अच्छा लगता है मगर लिखना नहीं आता, ये कैसी बात है, ये कैसी बात है। और उर्दू ने कभी इनकार नहीं किया। हमने क्या जिद की 47 के बाद से कि हमने उसमें अरबी फारसी के लफ्ज ज्यादा बढ़ाए, बल्कि फारसी के कम अरबी के ज्यादा। अब अगर मैं कहूं कि अल्लाह ने चाहा तो मैं अच्छी मुसलमान नहीं हूं, मुझे इंशाअल्लाह कहना चाहिए, मानी हुई है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते रहे अल्लाह रखे। अब आप जब तक अल्लाह हाफिज ना कहें तब तक बात नहीं है। हम लफ्जों के गुलाम होंगे, माने के नहीं। अंग्रेजी जबान इसलिए फल फूल रही है कि वो बच्चों को सोचने देती है, मानी जानने की इजाजत देती है, सवाल करने की इजाजत देती है, तजिया करने की इजाजत देती है, और दलील से पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ कोई चीज दलील पर बुनियाद नहीं है। मैं बहुत गुस्ताखी की बातें कर रही हूँ, खामोश हो जाऊं तो अच्छा, शुक्रिया। है ना, ये एक कमेंट आया हुआ है, एक सवाल आया हुआ है राशिद जमीर साहब का। वो लिखते हैं कि इन अनदर सिटिंग यू सेड दैट वी कैन बिल्ड अ सक्सेसफुल सोसाइटी ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, इखलाकियात एंड जस्टिस, इंसाफ। अनफॉर्चुनेटली वी आर फार अवे फ्रॉम दीज प्रिंसिपल्स। योर कमेंट्स। मैं आज भी यकीन रखती हूँ, और हमारे मुसलमानों के जो हाल है जिंदगी में उसकी बुनियादी वजह ये, अखलाक को हम नहीं मानते, तहजीब को हम नहीं मानते, इंसाफ तो है ही नहीं। हमारे यहाँ इंसाफ के मानी है अपना बन रहा है, आप किसी के साथ अच्छा इसलिए कर ले, पाकिस्तान में बड़ा मुहावरा चलता है ये अपना बन रहा है। और अब इतनी मुझे सोच के खुशी होती है कि पहले इस मुल्क में जिया साहब के बंदे होते थे, फिर मियां साहब के बंदे हुए, फिर बीबी के बंदे हुए, फिर जरदारी के बंदे हुए, फिर मुशर्रफ के बंदे हुए, अब खान साहब के बंदे। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का बंदा यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि इंसाफ तो खुदा का बंदा कर सकता, जो खुद किसी हद में और तासुब में है। जिन साहब ने सवाल पूछा है मैं उनकी बहुत ममनून हूँ। मेरा ये यकीन आज भी है कि जिंदगी की तरक्की अखलाक से और इंसाफ से है, और जिस माशरे को मुहजब होना हो वहाँ अखलाक और इंसाफ की जरूरत सबसे पहले, तहजीब की बुनियाद अखलाक और इंसाफ। सही, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। मैं कोई सवाल करने की जसारत कर सकता हूँ सर? जी नाम बताइए। बिल्कुल मैडम मोहतरमा की जो है ना बात सुन के बड़ी खुशी हुई कि जस्ता जस्ता लोग या बाकी हैं उर्दू अदब के हवाले से कोई सैर हासिल गुफ्तगू करने के लिए। और लेकिन मुझे ये अजीब सा जुमला है कि मुझे बड़ा खुशी महसूस हुई इनका कर्म महसूस करके, गो के हम इनके कर्म में बराबर के शरीक हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को इस उर्दू अदब से तलबा की दूरी में शुमार नहीं करते? क्योंकि नरगसियत पसंदी ने नशत सानिया के बाद जो उर्दू अदब को नुकसान पहुंचाया, और वो इज्तमाही रवैयों से तलबा या आम आवाम
लाताल्लुक हो गई, तो उसमें हम अपने आप को कितना कसूरवार गिरदानते हैं या अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस करते हैं नरगसे पसंदी में उर्दू अदब के हवाले से? मैं पहली माजरत तो ये चाहूंगी कि शायद आपका पूरा सवाल मेरी समझ में नहीं आ सका। अगर आप उसको मुख्तसर करके मेरी जहालत को माफ करके दोहरा दें तो बड़ी नवाजिश होगी। तमाम इनसे गुजारिश है कि आप या सवाल तो एक डायरेक्ट सवाल भी पूछें, लेकिन चैट में अगर पूछे मुख्तसर सवाल तो मैडम खुद भी पढ़ लेती हैं, वो ज्यादा बेहतर है। उसमें फिर शायद हम ज्यादा लोगों को मौका ना दे सके। आपने चूंकि पूछा है तो आप मैडम के लिए दोबारा वो सवाल प्लीज दोहरा लें। जी जी मैडम, मेरे मैं अर्ज ये कर रहा था कि मुझे खुशी हुई कि आपका ये पहले हमें यानी कि ये अजीब जुमला है कि आपके कर्ब को महसूस करके हमें खुशी हुई कि कुछ उर्दू अदब में जस्ता जस्ता लोग बाकी हैं। लेकिन मैं मेरा सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि नरगसियत पसंदी ने उर्दू अदब में जिन लोगों को उर्दू आती थी नशत सानिया के बाद, नरगस पसंदी ने क्या उर्दू अदब को नुकसान नहीं पहुंचाया जिससे तलबा का नुकसान भी हुआ? नहीं, मैं बड़ी माजरत के साथ इख्तिलाफ करूंगी। सारे का सारा अदब तो नरगसियत का शिकार नहीं है, पूरे का पूरा माशरा नरगसियत का शिकार नहीं है। और मुझे नहीं मालूम आप किस अदब को नरगसियत का अदब कह रहे हैं। अगर आप किसी एक अदीब का नाम ले सकते तो शायद मेरे लिए बात आसान होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरगसियत में भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग हमें फिर तजिया करना सिखा देते हैं कि यक तरफा हो जाना अच्छा नहीं होता, बात की हर पहलू को देखना अच्छा होता है। और मुझे नहीं मालूम आप मुसलमानों की या उर्दू अदब की किस चीज को नशात सानिया कह रहे हैं। अब भाई एक और सवाल आया है ताजीम अरशद साहब से, मेरे लिए थोड़ा हैरान कर, बच्चों का उर्दू अदब का जखीरा नहायत महदूद है, अंग्रेजी नावल पढ़कर जब उर्दू की कहानियां पढ़ते हैं तो इन्हें मजा नहीं आता, इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे तो बच्चों उर्दू का बच्चों का बहुत अदब। मैं उन बच्चों की जहानत की दाद देती हूँ जिन्हें अंग्रेजी का एक अच्छी किताब पढ़ के उर्दू पढ़ने का मजा नहीं आता। देखिये हैरी पॉटर वो किताब है जो छपने से पहले बिक चुकी होती है, उस पे उसके सिलसिले में लिख जाता है। आपको सुन के हैरत होगी कि तिलिस्म होशरबा की सारी कहानियां हैरी पॉटर में है। हमने अपने बच्चों को कभी तिलिस्म होशरबा आसान उर्दू में लिख के बताने की जरूरत की? हमारे लिए तो तिलिस्म है अंग्रेजी और होशरबा है मगरिब। ऐसा नहीं है, और इस वक्त मैं बिल्कुल उर्दू में अदब बच्चों का नहीं है, और बल्कि अब तो उर्दू में जो बच्चों का बहुत अच्छा अदब छपा हुआ था वो मैसर नहीं होता। गुलाम अली संस ने एक जमाने में बड़े अदीबों की वो कहानियां छापी थी जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी थी, आप इसमें चुगताई, चिराग हसन हसरत, इम्तियाज अली ताज, एक चचा छक्कन के अलावा जो किसी दूसरी चीज को नहीं जानते, बड़ा बड़े अफसाना निगार ने बच्चों के लिए लिखा। यहाँ अभी एक सवाल आया था, मैं पूरा पढ़ नहीं पाई हूँ, डॉक्टर नदीम इकबाल साहब की तरफ से, अगर मैं उसे दोबारा देख सकूँ तो मैं जरूर उसका जवाब देना चाहूंगी। बात सारी यह है कि उर्दू का की जिम्मेदारी सिर्फ उर्दू पढ़ाने वालों पर या उर्दू पढ़ने वालों पर नहीं डाली जा सकती, ये जिम्मेदारी हर शख्स की है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो रियासत की है जो कौमी जबान कहती है। कभी आप सोच सकते हैं कि निजी तालीमी इदारों में जो बजाबान अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम कहलाते हैं, अगर अपनी फुर्सत के वक्त में भी एक बच्चा दूसरे बच्चे से उर्दू में बात कर लेता है और ये वो तीन दफा दोहरा लेता है तो एक तो उसको तो तंबीह होती है और डांट पिटती है, उसके वालदेन को बुलाया जाता है। तो जो बच्चा इस एहसास के साथ बड़ा हो रहा है कि जिस कौमी जबान की तौहीन की जाती होगी वो जबान किस काबिल है, उसको क्यों पढ़ा जाए, वो तो इस काबिल ही नहीं। आप जिस जबान की तौहीन कर रहे हैं वो जबान कोई क्यों सीखेगा? मैं
सच ज्यादा बोलने की मुझे आदत है, बार बार माफी मांगती रहूंगी। मैडम बहुत शुक्रिया, आप माशाल्लाह जिस अंदाज से अल्लाह ताला ने आपको बख्शा है उर्दू के इस मैं समझूंगा कि एक इनसाइट जिसको बोलते हैं, पता है इनसाइट उर्दू में क्या बोलते हैं, आप ज्यादा अच्छा बता सकेंगे। लेकिन माशाल्लाह एक बहुत बड़ी यानी समझ आ रही है कि उर्दू जबान में हमारी कमजोरी अपनी भी है और रियासत का, जैसा भी एक सवाल पूछा है आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात किया, एक तो रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत के साथ हमारी जो जाती तौर पे यानी पर्सनल लेवल पे हम क्या इसमें एफर्ट्स कर सकते हैं, इसको अगर हुकूमत फॉर एग्जाम्पल नहीं करती कोई चीज तो जाती तौर पे आप क्या हमें मैसेज देना चाहेंगी कि कैसे हम? देखिए पहली बात तो यह है, आप मेरी इस बात से खफा ना होइएगा कि जो मामले पूरे माशरे के हों उसमें जाती पसंद नापसंद नहीं होती, और मशवरे और नसीहत वो लोग तो इस्लामाबाद में रहते हैं, मैं तो एक मामूली लाहौरी हूँ। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि जिस चीज की इज्जत नहीं की जाती वो चीज कायम नहीं रह सकती। और अभी किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि उर्दू की इज्जत को कैसे बहाल किया जाए। जी, मैं और आप उर्दू बोलने से घबराएं नहीं, हम आपस में भी बहुत कम उर्दू बोलते हैं। जी, क्यों? हमारे बच्चे उर्दू सुनते नहीं, और जब वो अपनी अम्मा या अब्बा से उर्दू के किसी लफ्ज का मतलब पूछने आते हैं कहते हैं बेटा हमें नहीं मालूम, तो वो और भी उलझ जाता है। तो वो जबान जिसे मेरे वालदैन भी नहीं जानते उसको मैं जान के क्या करूं? हमने ये नहीं सोचा कि ये उर्दू सिर्फ निसाब का मामला नहीं है। और एक बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है हमारे यहाँ, अगर वही लफ्ज मैं दोहरा दूं कि हमारे यहाँ अदब भी नहीं पढ़ाया जाता ढंग से और हम सोशल साइंसेस भी नहीं पढ़ना चाहते। मैं एक छोटी सी बात कहूँ आपसे? जरूर। थोड़ी सी तारीख, मैं लाहौर की बात करूँ, 60 की दहाई में सारे लाहौर में दारुल कबाब खुल गए। उससे पहले कबाब की जो दो चार दुकानें थी लोग जानते थे कहाँ होती हैं कहाँ, फिर तो कोई कबाब हाउस हुआ, कोई दारुल कबाब हुआ, बल्कि कबाब के साथ दार ज्यादा लगी, पता नहीं वो दार फारसी की थी या दार अरबी की, लेकिन लगी जरूर। 70 की दहाई में हमारे यहाँ हर स्कूल के साथ लग गया कैम्ब्रिज स्कूल, ऑक्सफर्ड स्कूल। 80 की दहाई में हम सब बिजनेस पढ़ने लगे। 90 की दहाई में बिजनेस का आईटी से निकाह हो गया, अब हम दो इल्म पढ़ने लगे। हम वो इल्म पढ़ते हैं जिससे रोजगार अच्छा मिलता है। इल्म जिंदगी के लिए होता है, रोजगार के लिए नहीं। हमने अपने बच्चे को भी यही, वालदेन यही सिखाते हैं, क्या करोगे तुम खाली एमए करके, क्या नौकरी मिलेगी तुम्हें, आरफा की तरह पढ़ाते रह जाओगे, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छी बात पूछी है कि उर्दू बोलने वालों को मौका नहीं दिया जाता, नहीं देंगे। जिस जबान को वो पसपा समझते हैं, कमतर समझते हैं, उस जबान के बोलने वाले को, उस जबान से मोहब्बत करने वाले को, वो कभी उस शख्स को बड़ी जगह नहीं देंगे जो इस वतन से सही मानों में मोहब्बत करता है। हाँ, जो मसलहत कर सकता है उसके लिए जगह ही जगह है, आसमान तक पहुंचा देंगे उसको। आप अपनी सियासत जमाना देखिए और वक्त को देखिए। इस वक्त जो हमारे यहाँ हुकूमत है वो अपनी ईमानदारी और अपने मुत्तकी और परहेजगार होने के नारे लेकर आई थी, मगर इस वक्त जो सबसे बड़ा बदयानती पर हशर हुआ है वो आटे और चीनी में हुआ है, जो गरीब आदमी भी खाता है। सोचिए कि ऐसा क्यों? ये बदनीयती की बातें चाहे जबान के साथ हो या आटे और चीनी के साथ। जब आटे और चीनी का क्राइसिस आ जाएगा तो फिर ज़बान का कौन सोच पाएगा? मातो नहीं, आप देखिए उर्दू को तो आपने, अब आपसे चूंकि इस वक्त
آئین نہیں بدلا جا سکتا نا, بدل لیں گے کسی دن کہ نہیں ہے اردو ہماری قومی زبان. ہم نے اردو کو سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے قوم کے درمیان دیواریں کھڑی کی. زبان تو پل بناتی ہے, زبان دیواریں نہیں کھڑی کرتی. ہم پل بنانا جانتے ہی نہیں. ہم 1947 میں اتنے تقسیم نہیں تھے. ہم نے سوچا تھا پاکستان میں سب جمع ہو جائیں گے. جتنا ہم پاکستان میں تفریق ہوئی ہے اور وہ بھی مذہب کے نام پر, بتائیے وہاں لوگ زبان کے لیے کیسے اکٹھے ہوں گے. نظر صرف اس پر ہے کہ ہم کیا خرید سکتے ہیں یا ہمیں کون خرید سکتے. میڈم ایک آپ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو آپ نے بجا فرمائے کہ ہمارے یوتھ کے اندر جو ہے نا نوجوان نسل میں وہ شوق نہیں رہا, اور وہ میرے خیال میں ایک چینج کا ذریعہ بنتا ہے کسی بھی قوم کی تبدیلی میں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ٹیکسٹ بکس ہیں, ہمارے پاس بورڈز کا جو سسٹم ہے, پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ہے, سرحد ہے, سندھ ہے, اس طرح بلوچستان ہے, یہ کتنا یونیفائڈ اس چیز ایفرٹس کو لے رہی ہیں, کیونکہ ان کے جو نظام ہے اردو لکھنے کا جو انداز ہے وقت کے ساتھ چینج نہیں ہوا, اس کے ساتھ وہ جدت نہیں آئی جو کہ انگلش میں یا باقی میں زبانوں. میں پہلی گستاخی تو یہ کروں گی کہ نوجوان کی کوئی خطا نہیں ہے اگر وہ اردو نہیں پڑھتا. اس کے والدین نے, اس کے استادوں نے, اس کے معاشرے نے اس کو اس زبان کی طرف رغبت ہی نہیں دلائی. جب ہماری سیاسی شناخت کا مسئلہ پیدا ہوا تو وہاں پشتو اور بلوچی اور سندھی اور پنجابی ہماری شناخت ہے. اردو تو کبھی ہماری شناخت نہیں ہے. ہمارا سارا فکری اور تہذیبی سرمایہ اردو میں ہے, لیکن ہم اس کو اپنی زبان نہیں کہتے. مجھے معاف کر دیجیے گا سچ بولنے کے لیے. نوجوان کی کوئی غلطی نہیں ہے. آپ نے اس کو جو زبان سکھائی, پاکستان میں بھی انگریزی کی جو کتابیں چھپتی ہیں وہ بہت اعلیٰ اور خوبصورت چھپتی ہیں, جب اردو کی چھپتی ہے تو ہم غریب ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے سوچئے. ہم اپنا چہرہ خود کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے اپنے نوجوان کو حد سے زیادہ مسترب, بے چین اور مذبذب کر رکھا ہے. اس کی سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہ کیا کرے. بلکہ اس وقت بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو پلٹ رہے ہیں زبان کی طرف, جو پلٹ رہے ہیں ادب کی طرف, مگر معاشرہ اس طرح سے ان کی مدد نہیں کرتا, ان کا ہاتھ نہیں پکڑتا جس طرح پکڑنا چاہیے. کوئی قصور نہیں ہے نوجوانوں کا. جو ہماری غلطی ہوتی ہے ہم اپنے گناہوں کا بوجھ ان کے کندھوں پہ رکھتے ہیں. میں نوجوانوں کی سب سے بڑی ساتھی ہوں, اور میں ابھی بھی یہ کہتی ہوں کہ میری طبعی عمر جو بھی ہوگی, میری امنگ کی عمر آج بھی 16 برس ہے. بہت بڑی نصیحت ہے میڈم. واقعی بہت ہم اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ہمارا ہی قصور ہے. میرے خیال میں ہم آج بھی اپنی بورڈز کے لیے آکسفورڈ کی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اردو کی کتابوں کو چھاپے اور وہ اس کی چان بین کریں. ہم اپنے بورڈز, ہمارے اپنے آتھرز جو ہے, ہم خود بذات خود بھی اردو زبان میں ماشاء اللہ جس طرح آپ جیسے کمپلیش شخصیتیں موجود ہیں یہاں پہ, اس طرح کی لوگوں کو ابھی پروموٹ ہی نہیں کیا گیا حکومت کی. میں آپ کا نام بخاری صاحب آ رہا ہے, آپ کا نام لے کے آپ سے کہوں گی کہ میں تو ایک بہت معمولی طالب علم ہوں ادب کی, تاریخ کی, بلکہ معمولی تر طالب علم ہوں زندگی کی. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو شاید بہت گناہ گار ہوں گے, جنہیں زندگی بھی بہت اچھی لگتی اور جنہیں دنیا بھی بہت اچھی لگتی. کیونکہ جب تک زندگی ہے تب تک ہی میری تلاش جاری ہے, اور جب تک دنیا ہے تبھی تک میرے امکان موجود ہیں. اگر آپ کا نمبر آپ کو پتہ ہے تو پھر ہم کھانا پینے کا کیا کر رہے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہی, آواز نہیں آئی. ایک اچھا سوال آیا ہے آبان, میں پڑھ دینا چاہتی ہوں کہ آج کے جو والدین ہیں ان کی تربیت کے وقت اردو زبان شامل تھی, لیکن انہوں نے اپنی اولاد تک وہ تربیت پہنچائی نہیں. انہوں نے سوچا کہ ہم تو پسماندہ کہلانے لگیں گے, انگریزی ہمارے بچے بولیں گے,
तो एक और बात भी, इतना आपस में मुकाबला है, एक से एक आगे निकलने की फिक्र में है, जिंदगी कोई नहीं गुजार रहा है, सब दौड़ में लगे हुए। आप किसी से भी पूछिए, वो जिंदगी से लुत्फ नहीं उठा रहा, गो के पैसे बहुत जमा कर रहा है इस उम्मीद पर कि वो एक दिन जिंदगी का लुत्फ उठाएगा। ऐसा नहीं होता। लम्हे आपके लिए खुशी लेके आते हैं। एक फूल जो इस वक्त खिला हुआ है, आप कहिएगा परसों इसको सोचूंगा, परसों तक मुरझा चुका हो। लम्हे भी ऐसे ही होते हैं। हम लम्हा ब लम्हा रहना चाहते हैं, जिंदगी लम्हा ब लम्हा नहीं होती। हमने अपने बच्चों को वो नहीं दिया जो हमारे पास था। कसूर हमारा है, चाहे हम उस्ताद हैं या निसाब बनाने वाले हैं, चाहे हम वजीर हैं, चाहे हम सफीर हैं, और चाहे हम एक आम शहरी हैं। हम झिझक गए। हमने तरक्की के मानी ये समझा कि हम जितनी अच्छी नकल करेंगे हम उतने ही तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। सही बात है। ऑक्सफोर्ड जो है वो बोर्ड की किताबें छापता है, हमसे नहीं छपती। किसी रियासत ने अपने नाशिर को, अपने ताबे को, अपनी किताब तबाद करने वाले को इतना बढ़ावा नहीं दिया, इतनी सी हिम्मत नहीं दी कि तुम भी अच्छा काम करो, नहीं। वो भी जब निजी तालीमी इदारों की किताब जो है वो किसी पाकिस्तानी पब्लिशर की बहुत कम छपी हुई होती है, और मैं ऑक्सफोर्ड को भी पाकिस्तानी पब्लिशर नहीं मानती, बाहर से आए हुए वो। कि आप कुछ बात बता के खुशी होगी मुझे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बाकायदा एक शोबा है, उन्होंने मुख्तलिफ जबानों के लोगों को अपनी तरफ से चैंपियन बनाया। वो उर्दू में भी चैंपियन बनाना भूले नहीं, मगर अब वो मुझ जैसे गरीब को उन्होंने बना दिया, लेकिन उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि बहुत सी दूसरी जबानों के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और पता चला कि किस तरह से आप अफ्रीका को देखिए, कितने इत्मीनान से अपनी जबान में तालीम देते हैं। वो बहुत पैसे में पीछे होंगे, मगर अपनी जात के एतबार में हमसे आगे। आप अल्लाह आपको सही सलामती से रखे। लाहौर में हमारा जो फिरोज संस था उसका अपना फिरोजुल लुगात छपता था और बड़ा इदारा था, वाइप आउट हो गया। उसको एक उसकी भी कहानी सुनिए। एक तो वो पूरा आपको शायद पता होगा, इमारत जल गई, फिरोज संस की सारी किताबें जल गईं। वो तो चलिए खानदान में इतनी हैसियत थी कि उन्होंने वो नुकसान बर्दाश्त कर लिया। उर्दू की किताबें या कोई भी किताब क्यों छपती है? कि उसके पढ़ने वाले होते, खरीदने वाले होते। हम क्यों ये समझ रहे हैं? आपने देखा है कि हमारे यहाँ से जनरल जियाउल हक के बाद से अरबी का जो अदब है या अरबी में जो जबानें हैं या जो हदीस है, जो कलाम पाक है, वो किस कदर आला से आला छप रहे हैं। आपने उनकी तबाद देखी है? कर दुनिया की तबाद के सामने रख सकते हैं आप, दुनिया की तबाद के सामने क्या जिल्दे हैं, क्या खत है, क्या खुशनुमाई है। उर्दू को मैसर नहीं आ सकती। दीवाने गालिब अभी भी उर्दू बाजार में छपेगा, या खुदा सलामत रखे लाहौर के एक इदारे को, उनका नाम ये बगैर बात नहीं लगी, संग मील वाले, वो उर्दू की किताबें अच्छी से अच्छी छापे जाते। एक सवाल आ रहा है कि हमने कंप्यूटर पर भी काम नहीं किया। हमने किसी ईजाद पर काम किया है आज तक? हमने कोई नई बात कहीं पैदा की है?
जो कुछ इस वक्त मौजूद है हम उसे तो उर्दू में कर सकते थे, हमसे वो भी नहीं होता, क्योंकि हम उसके लिए फिर एक ऐसी जिनाती जबान लिखेंगे कि बच्चा कभी भी वो उर्दू में कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करे। मैं आपको एक जुमला सुना देती हूँ, अगर आप उसका, चूंकि आप लोग अरब में रहते हैं तो उसका आप तर्जुमा आसानी से कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में लोग जो है वो हक्का बक्का होके मुंह देखते हैं। भाई से ताखीर तकातुर अमतार था। बस इतनी सीधी सी बात नहीं कह सकते थे कि बारिश की वजह से देर हो गई। नहीं, कभी कभी जब मौलाना बड़े से बड़ा सबक पढ़ाते हैं तो ये क्यों नहीं कहते कि हमारा काम तो तुम तक पहुंचा देना। नहीं कहते वमा अलैना इल्ला बला। बहुत मामूली बात। जी आया नू किसी को कह दीजिए लाहौर में तो लोग खफा हो जाते। इससे तो मोहब्बत का कोई लफ्ज नहीं। तो दरअसल हम अजब घबराए हुए परेशान और मुंतशर लोग हैं। हमने चूंकि अपने लिए अपना रास्ता नहीं चुना, हम कभी मुत्तफिक नहीं हुए, मुत्तहिद नहीं हुए। टेढ़ ईंट की मस्जिद चाहे मजहब में बने या सियासत में, वो हमें अच्छी लगती है। मिल के जीने में थोड़ी सी कुर्बानी देना पड़ती है, थोड़ा सा काम भी करना पड़ता है, हम उसके लिए तैयार हैं। एक और भी अच्छी बात आ रही है गैर लोगों की। आप देखिए, गैर लोगों से याद आया कि क्या कमाल कर दिया उन सर्राफ साहब ने दिल्ली में बैठ के रेख्ता पर। आप कंप्यूटर पर रेख्ता की साइट पे चले जाइए, कोई शायर ऐसा नहीं है जिसका पूरे का पूरा दीवान उन्होंने वहां महफूज ना किया। हम उर्दू के गम में तो घुले जाते हैं। अकबर इलाहाबादी का शेर मुझे याद आता है, गम तो लीडर को बहुत है। अबान याद कराइए, मगर आराम के साथ। गम तो लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ। सुभान अल्लाह। चलिए अल्लाह आपको अजर दे, आपने हमें इतना टाइम दिया। आपके इस वक्त रात के आधी रात गुजर चुकी है, 12 बज रहे हैं। बहुत मेरे तो वैसे ही 12 बजे रहते हैं। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा भी आपको तंग करते रहेंगे। और शुक्रिया आबान, मुझे बहुत लुत्फ आया। और जितने लोगों की अस्माए गिरामी मेरे सामने है, मैं फर्दन फर्दन उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपके यहाँ तो शायद अभी रात इतनी आधी इधर आधी उधर न हुई होगी, मगर मुझे 24 घंटों में ये वक्त सबसे अच्छा लगता है। थैंक यू जनाब, सो काइंड ऑफ यू। हाँ शुक्रिया, सब दोस्तों, आप सब लोग खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, हिफाजत में रहिएगा। हम तो पाकिस्तान में सीना पीट पीट के ये कहते फिरते हैं कि किधर है कोरोना, कहीं नजर आया? कुछ नहीं होता, ये यहूदियों की साजिश है। जी। तो मैं, मेरी गुजारिश है कि इस साजिश से भी बच जाइएगा, खुद को महफूज कीजिएगा। परवरदिगार आप सबको खुश रखे। आमीन, आमीन, सम्मा आमीन। बहुत खुदा इसकी रिकॉर्डिंग भी हम इंशाल्लाह लोग मांग रहे हैं तो शेयर करेंगे इनको। अगर मैडम हमें इजाजत दे तो क्या हम इनको यूट्यूब पे जा सकते हैं लोगों के लिए? जहां चाहिए। जी जरूर,
जरूर, मैं तो बड़ा इश्तिहारी मुलजिम हूँ, मुझसे काहे की इजाजत लेते हैं। आप यूट्यूब खोलेंगे तो बहुत सा मेरे गुनाहों का पिटारा खुल जाएगा। आपकी नवाजिश और आपकी ये आज की अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। आप सबकी बड़ी मोहब्बत और आवान में आपको शुक्रिया नहीं अदा कर सकती, किस कदर अच्छे लोगों से बात करने का मौका दिया कि किसी की आवाज भी सुनाई नहीं दी सिवाय दो तीन लोगों के। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। परवरदिगार आपका हमेशा हामी और नासिर हो। अब हम कंक्लूड करें, आप मैडम की इजाजत से कंक्लूड कर रहे हैं प्रोग्राम को। जी बहुत शुक्रिया, आप जब इजाजत देंगे मैं रुख्सत हो जाऊंगी। तमाम पार्टिसिपेंट का भी, आपका अबान उस्मानी साहब का, हमारी खसूसी गेस्ट और डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी हमारी मौजूद थी डॉक्टर आरफ पासी, तो जज़ाकल्लाह खैरन, फी अमान अल्लाह, अस्सलाम, खुश रखें अल्लाह आप सब। बहुत शुक्रिया आप सब भी। आमीन।